KGM Yukunt 89.6 FM. नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज कुमार, एडिशनल प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी से बोल रहा हूँ। आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे 29 अक्टूबर को है। इस अवसर पे मैं कुछ स्ट्रोक के बारे में जागरूकता लाने के लिए आपके समक्ष यहाँ पे हूँ। स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है जो अचानक खून की धमनियों में बहाव रुकना या फिर खून की धमनियाँ जो ब्रेन में जा रही हैं वो के फट जाने की वजह से, शरीर में किसी हिस्से में कमजोरी आ जाने की वजह से स्ट्रोक कहा जाता है। स्ट्रोक जो हम लोग देखते हैं वो दो तरह के होते हैं, इस्केमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक। स्ट्रोक के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि समय रहते आप जो है उसके लक्षण को पहचानें और अस्पताल में पहुंच जाएं। अस्पताल में अगर आप सही समय पर पहुंच जाएंगे, 4.5 घंटे के भीतर पहुंच जाएंगे, तो इस्केमिक स्ट्रोक के कारणों में, अगर इस्केमिक स्ट्रोक है तो उस समय उसके लिए खून का थक्का गलाने वाली दवा का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें हो सकता है कि मरीज पूरी तरह से ही उसकी कमजोरी जो है वो सही हो जाए। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप समय पे स्ट्रोक के मरीज को आइडेंटिफाई करके वहां पहुंच जाए। स्ट्रोक में अगर किसी को कुछ और भी चीजें मिलती हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो उन सब दवाइयों को भी स्ट्रोक के दवाइयों के साथ नियमित रूप से खाना जरूरी है। स्ट्रोक को बचाव के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने दिनचर्या में, खान पान में कुछ बदलाव लाएं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि आप जो है समय पे सोएं, समय पे उठें, खाने में जो है फल का, सब्जी का प्रयोग ज्यादा करें। अगर डायबिटीज है तो फल का खाने का प्रयोग उसी हिसाब से करें, दवाइयों का नियमित सेवन करें, ब्लड प्रेशर के लिए नमक कम करें, व्यायाम करें, जरूर आप टहलने जाएं, इससे आपका वजन भी कम रहेगा, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा और शुगर भी कंट्रोल रहेगा। तो इस मैसेज को आप जरूर ध्यान दें कि एक ही लाइन अगर बोलूं तो टाइम इज ब्रेन, तो उसके हिसाब से अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि हाँ फालिस के लक्षण आ रहे हैं, चेहरे पे कमजोरी, हाथ पैर में कमजोरी, आवाज में लड़खड़ा, तो तुरंत जो है नियरेस्ट अस्पताल में पहुंचें, वहां डॉक्टर से जांच कराएं। इस मैसेज को ध्यान में रखें। धन्यवाद।